पिछले कुछ दिनों पहले मैं अपने मामा जी के घर गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरह से जो है एप्पल के जो प्लांट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और ये जो है छोटी छोटी क्यारी में जो है वो बना के जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 3 महीने की ग्रोथ है और 3 मंथ्स में इतने बड़े हो गए हैं और 1 ईयर में तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसीजर वो कैसे तैयार किया। सबसे पहले तो मेरे मामा जी के जो बेटे हैं इन्होंने जो है जो काऊ डंग है और सॉयल है इसको अच्छे से मिक्स किया और इसमें जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो उन्होंने साफ़ किए, निकाल दिए। इसमें इन्होंने 2 तरह से जो है वो एप्पल प्लांट्स तैयार किए। फर्स्ट जो है इन्होंने इन पॉली बैग्स में जो है ये प्लांट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं और सेकंड इन्होंने जो है वो क्यारी बना के जो है वो तैयार किए। दोस्तों एप्पल प्लांट तैयार करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। इसमें ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए और साथ ही साथ जो है इसमें न्यूट्रिशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक तरीके से जितना ज़्यादा हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। तो टेबल ग्राफ्टिंग करके जो है ये छोटे छोटे प्लांट्स हमने रख दिए हैं। तो इसमें जो है जो मिक्सचर यूज़ किया है वो है काऊ डंग, काऊ यूरिन, रेड सॉयल, जंगल सॉयल, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें इनकी जड़ों में जो है इनकी जो रूट्स हैं इसमें लगा दिए जाते हैं या फिर इसमें डुबो के रख दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है क्योंकि अगर ये इसमें डूब रहेंगे तो इसमें जो है वो न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी और प्रॉपरली जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से रहेगी। तो मैंने आपको जो इससे पहले ग्रोथ दिखाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ की ग्रोथ है। विद इन 3 मंथ्स में जो है वो इतनी अच्छी ग्रोथ इनके पास जो वो आई है। और आपको बता दूँ कि इसमें जो है टेबल ग्राफ्टिंग करने के बाद जो है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये एक अलग सा मिक्सचर जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इस पूरे प्रोसीजर में। वैसे तो दोस्तों जो है इस मिक्सचर का प्रयोग जो है वो बहुत कम किया जाता है, लेकिन ये इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है पानी की जो है कमी होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राइएस्ट प्लेस है ये, और इस ड्राइएस्ट प्लेस में ये जो है एक जेल यूज़ किया जाता है। तो इसे क्योंकि दोस्तों जब पानी की कमी हो जाती है, जब ड्रॉट पड़ जाता है, तब जाके जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ख़ासकर एप्पल प्लांट के लिए। तो ऐसे ड्राइएस्ट प्लेस में जो है इस तरह का प्रोसीजर यूज़ करना ही ज़रूरी रहता है। तो ये एक जेल है जो कि इसके लिए यूज़ किया जाएगा और इस जेल को यूज़ करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं प्रॉपरली इसको जो है वो मिक्स करना होता है और इस तरह से जो है मिक्स करके फिर जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये आता है पाउडर फॉर्म में और ये जो है पानी की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है और एप्पल प्लांट्स के जो ग्रोथ है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि इसमें पानी की कमी नहीं रहती है। जो रूट्स हैं अगर हमारी रूट्स सही रहेंगी तो प्रॉपरली जो है इसकी ग्रोथ रहेगी और बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या फिर जब भी कोई ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है इस मिक्सचर को तैयार किया जाता है और इस मिक्सचर को प्रॉपरली जो है वो मिलाया जाता है किसी डंडे की सहायता से। आप इसको जो है वो क्लॉक वाइज जो है वो घुमा घुमा के इसको आप मिक्स कर सकते हैं। एक्चुअली ये पाउडर फॉर्म में आता है और पाउडर फॉर्म में जो है ये पानी के बीच डाल के जो है इस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ये बाद में इस ऐसी फॉर्म में आ जाता है, जेल की फॉर्म में आ जाता है। तो अब जो है प्रॉपरली जो है हमारे पास जो भी पैकेट्स हैं यहाँ पे जो भी बैग्स हैं जो प्रॉपरली तैयार है एप्पल प्लांट को जो है वो लगाने के लिए, मतलब इसमें ये सब यूज़ करने के लिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है अब हम तैयार करते हैं ये पूरी तरह से पूरा प्रोसीजर। तो किस तरह से जो है उन्होंने ये तैयार किया देख सकते हो। सबसे पहले जो है इसमें छोटा सा गड्ढा किया और इसमें जो है इन्होंने ये जेल यूज़ किया ताकि ये रूट्स में प्रॉपरली जाए और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसमें पानी की समस्या ना हो जब भी ये तैयार हो, क्योंकि ये ऊपर रहेगा धूप में रहेगा तो इसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। और ऊपर से इसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो प्रॉपरली इसको जो है वो अच्छे से मिला के जो है वो ढक दिया जाता है। देखिए दोस्तों सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि अगर हम बेबी प्लांट्स तैयार कर रहे हैं तो बेबी प्लांट्स को बेबी की तरह ही जो है वो इसको पाल पोस के जो है वो बड़ा करना पड़ता है
और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जो लीव्स जब इसमें आएंगी उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है प्रॉपरली मिक्स करने के बाद जो है सभी जो पॉली बैग्स हैं इनको जो है वो इन पे जो है ये प्लांट सब लगा दिए जाएंगे, ठीक है। और इनको जो है वो अच्छे से पानी वगैरह दिया जाएगा। और जो लगा रखा था, मतलब जो इससे पहले बताया था मैंने आपको कि किस तरह से इन्होंने जो है पूरे प्लांटेशन ये तैयार की है, इसको नर्सरी बोलते हैं। और नर्सरी में ग्राफ्टिंग हुई है बहुत अच्छे तरीके से, देख सकते हो ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये सिर्फ एक साल की ग्रोथ है, मतलब 2 से 3 मंथ की ग्रोथ है, ये देख सकते हो। बहुत अच्छी ग्रोथ आई है गाइस, मज़ा ही आ जाता है देख के। ये है मेरी दीदी का बेटा, क्या नाम है आपका? अतुल जिल्टा। अतुल जिल्टा, जिल्टा खतरनाक बंदा है, देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। वो ये रिजल्ट रहा है, मतलब जो भी इन्होंने इसमें मेहनत की है। तो यार देखो, मतलब हिमाचल में ना इसी तरह की मेहनत होती है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, है ना, तभी तो अब तक जो है वो बहुत अच्छा फ्रूट जो है वो पहुँचता है। हम जो है ऑर्गेनिक वे में, ऑर्गेनिक तरीके से एप्पल को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है एप्पल के लिए और एप्पल के जो प्लांटेशन है एप्पल के बारे में जानना चाहते हैं। मेरी वीडियोज़ में आपको इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश के बारे में, और जो भी यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन होता है, फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। यस।